अब बात कानपुर की करते हैं, जहां के बिल्होर इलाके में हिंदी दैनिक समाचार पत्र के एक पत्रकार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 24 घंटे के अंदर तीसरी हत्या से पूरा कानपुर जिला दहशत में है। कानपुर में बिल्होर तहसील संवाददाता नवीन गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोली मार दी जब वो अपने दफ्तर से खबर के सिलसिले में बाहर निकला था। अस्पताल ले जाते समय नवीन ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। हत्या के बाद सभी फरार हो गए। गुरुवार देर शाम बिल्होर कोतवाली के नगर पालिका के पास की एक घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने नवीन को दो गोलियां मारी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शक के आधार पर पुलिस ने बिल्होर के ही तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा। उनके परिजनों ने काफी चीजें बताई हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने FIR लिखा है। जैसे FIR दर्ज होगी उसके बाद तुरंत फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर रहे हैं शव को, और फॉरेंसिक टीम भी आ रही है और डॉक्टर भी है। सारे पहलू देखे जा रहे हैं, किन किन से बात हुई है, कब बात हुई है। उनकी पत्नी ने भी विस्तार में बताया है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी बातें हुई, उनके भाई ने, भाई से काफी लंबी बात।